1947 में चाइना के जियान शहर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी होती है। इस डिस्कवरी में 8000 चाइनीज टेरिकोटा आर्मी को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस डिस्कवरी को हुआंग्स माइसोलियम के नाम से भी जाना गया। इन 8000 सैनिकों की मूर्ति को हिस्ट्री का सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी में से एक बताया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इन मूर्तियों को चाइना के पहले राजा क्विन शी हुआंग के मौत के बाद बनाई गई थी, ताकि वो मौत के बाद की जिंदगी भी आराम से जी सके, ताकि उन्हें कभी भी किसी बात की तकलीफ ना हो मरने के बाद भी। क्विन शी हुआंग क्विन डायनेस्टी के पहले राजा थे। क्विन शी हुआंग को राजगद्दी तब मिली थी जब वो महज 12 साल के थे। हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक क्विन शी हुआंग के पास 10 लाख ट्रेन सैनिकों की सेना थी और इन्होंने ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की नींव रखी थी। इन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण की शुरुआत की थी और फिर बाद में बाकी राजाओं ने उसे आगे बढ़ाया। हुआंग्स माइसोलियम को चाइना के सबसे पहले सम्राट के राज्य के एक हूबहू नकल बताया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक क्विन शी हुआंग अपने शहर की एक हूबहू नकल बनाना चाहते थे, ताकि आगे की पीढ़ी भी उसे देख सके और समझ सके। सम्राट ने इस मॉन्यूमेंट को काफी सारे फंदों के साथ बनाया था, ताकि अगर कोई भी इसमें जाने की कोशिश करे तो वो खुद ही मारा जाए। इन फंदों में कई खतरनाक चीजें थी, जैसे कि जहरीली तीर जो कि खुद ब खुद चलती थी अगर कोई उनके दायरे में आता था तब। कुछ बहुत ही फेमस चाइनीज कहानियों के मुताबिक क्विन शी हुआंग ड्रैगन के बेटे थे। मैं ऐसे आपको एक बात बता दूं, चाइनीज कल्चर में ड्रैगन को कोई जानवर नहीं बल्कि गॉड माना जाता है। ये भी बहुत अजीब सी बात है कि चाइनीज लोग ड्रैगन को अपना गॉड क्यों मानते हैं, जबकि ड्रैगन से मिलती जुलती कोई भी फॉसिल आज तक कभी पाई ही नहीं गई है, और यहाँ तक कि ड्रैगन से मिलता जुलता कोई भी प्राणी आज तक नहीं देखा गया है जो कि आग उगलता हो और उड़ सकता हो। ऐसे ही बहुत सारे वेस्टर्न कहानियां हैं जिनमें ड्रैगन्स का जिक्र किया गया है। आखिर ड्रैगन जैसा कोई प्राणी हकीकत में था कि नहीं था, ये कोई नहीं जानता। क्विन शी हुआंग की ही तरह कई एंशियंट यूरोपियन कहानी में भी राजा को गॉड के बेटे होने का जिक्र किया गया है, और इन्हीं लोगों को ह्यूमैनिटी के क्रिएशन से जोड़ा गया है। और शायद अगर हम इन लोगों के बारे में जान पाएं तो हम जान पाएंगे कि ये दुनिया ऐसी बनी तो बनी कैसे, इस दुनिया की शुरुआत हुई तो हुई कैसे। क्विन शी हुआंग गॉड के बेटे थे कि नहीं, ये कोई नहीं जानता और ना ही जान पाएगा, क्योंकि वो इतिहास के कई पन्नों में दफन हो गया है और शायद ही हम फिर कभी उन पन्नों को खोज पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह की वीडियोस आप देखना पसंद करते हो, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना अगर आप पसंद करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उस लाल बटन को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप इस तरह की और भी वीडियो से अपडेट होते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगी हो तो अनलाइक करना, आगे आपकी मर्ज़ी। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।